केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे हैं। गृह मंत्री अपना दल संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस समारोह में गृह मंत्री के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत कई नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गृहमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गृहमंत्री किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह की चुनावी रणनीति की वजह से आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इतना ही नहीं, अपना दल और बीजेपी गठबंधन की वजह भी अमित शाह ही है। वह राजनीति के चाणक्य है। इमारत बनकर तैयार हुई है और याद रखिएगा साथियों, केवल वो इमारत वक्त के थपेड़ों को और आपदाओं के झटकों को झेल सकती है जिसकी जड़ें मजबूत होती है, जिसकी नींव मजबूत होती है। और इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि उन जड़ों से जुड़कर रहना है। उन जड़ों में हमारे मूल्य है, हमारा आदर्श है, हमारे सिद्धांत है, हमारे संस्थापक की सीख है। उन जड़ों को सीखते रहना है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायी रहे। अपनी जीवन यात्रा के अंत में भी बुद्ध की शरण में गए। बुद्ध धर्म को उन्होंने जीवन में अंगीकार किया। और महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मैं कभी नहीं देखता क्या काम किया जा चुका है, मैं सिर्फ यह देखता हूँ कि क्या काम किया जाना बाकी है। और इसलिए आप